आज हम चर्चा कर रहे हैं कि घर में रखने वाली छोटी छोटी चीज़ें कैसे हमारी किस्मत को बड़ा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पंडित जी, घर में हम पावदान का प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? घर की एक और चीज़ है जो घर के शुरू होने के पहले आ जाती है, उसे कहते हैं पावदान, डोर मैट। क्या भूमिका है इसकी? डोर मैट से, पावदान से घर में खुशियां भी आती हैं और मुश्किलें भी आती हैं। पावदान हमेशा साफ और बिना फटा हुआ रखना चाहिए। गंदा और फटा हुआ पावदान दरवाजे पर रखेंगे तो ये आपके घर में समस्या को बुलाएगा। रोज सुबह घर के पावदान को झाड़ करके, साफ करके दरवाजे पर लगाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर इसी रास्ते से आपके घर में आए। प्रयास करें कि पावदान पर स्वस्तिक, शंख, ओम या कोई मंत्र वगैरह ना लिखा हो, अन्यथा आपके घर में मुश्किलें आने लगेंगी। ज़्यादातर डोरमैट पर या पावदान पर वेलकम लिखा होता है, होम स्वीट होम लिखा होता है, वो तो ठीक है, लेकिन पावदान पर शंख बना हो, पावदान पर मंदिर बना हो, पावदान पर ओम लिखा हो, स्वस्तिक बना हो, ऐसा पावदान कभी मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि पवित्र चिन्ह वाले पावदान पर अगर आप पैर रखेंगे तो आपका और आपके घर वालों का सबका नुकसान होगा। देखिए, पहले ज़माने के नियम है ये। पहले ज़माने में सूर्यास्त से ही घर में भयंकर अंधेरा हो जाता था और शाम को रात में तो अंधेरा रहता ही है और प्रकाश की थोड़ी व्यवस्था होती थी। लोग लालटेन से, लैंप से, मोमबत्ती से काम चलाते थे। तो ऐसे में क्या होता कि मान लीजिए कि आपका कोई पैसा शाम को या रात में गिर गया या कोई कीमती सोने की चीज़ गिर गई, सोने की बाली गिर गई, सोने की अंगूठी गिर गई और आप रात में या शाम को झाड़ू लगाएंगे तो वो कीमती चीज़ झाड़ू के साथ निकल जाएगी और वो गायब हो जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए चूंकि पहले अंधकार बहुत था इसलिए कहते थे कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रीय कारण क्या है? शाम को जब आप पूजा कर लें, शाम को जब दीपक जला लें, तो दरअसल दीपक जलाने के बाद आप देवी लक्ष्मी का आगमन अपने घर में कर लेते हैं, उन्हें अपने घर में बुला लेते हैं, इसके बाद झाड़ू मत लगाइए वरना वो चली जाएंगी, ऐसा माना जाता है। तो संध्या काल में या सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना किसी दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।